ओ हाय, मैंने देखा नहीं तुम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हो। गाइस आज मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हुई। आज मेरे सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ी कंपनी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि उनको मेरी गाड़ी की जरूरत है एक शूट के लिए। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज पहली बात तो मैं एक म्यूजिक वीडियो के शूट में जाने वाला था और दूसरी बात कि मुझे घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है बहुत दिनों के बाद। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी को उन तक पहुंचाया एंड वहां जाके मेरा गाइस पोपट हो गया। वहां पर 3 से 4 घंटे खड़े होने के बाद मुझे पता चलता है कि सब कुछ कैंसिल हो चुका है। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद अपने घर आते आते रात हो जाती है। एंड देन एक चीज थी गाइस जो कि आज के दिन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकती थी, वो थी मेरी वीडियो शूटिंग। मुझे लगा कि मैं खुद घर जाके मस्त अपने कोई वीडियो शूट करने वाला तुम लोगों के लिए, लेकिन लाइट चली गई। तो आज का पूरा दिन एकदम ऐसा वाहियात बीता है। लेकिन गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं, स्टिल मैंने अपने अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत गैदर करी एंड आई वाज लाइक कि नहीं भाई, मुझे कल सुबह 11 बजे तुम लोगों को एक वीडियो देनी है, मैंने कमिट किया तुम लोगों को, तो मैं वो चीज यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। सो इस जुनून के लिए गाइस स्मैश लाइक सब्सक्राइब। और आज गाइस मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ रियल स्टोरी ऑफ हिमलैंड्स हीरो ब्राइन। तो तुम लोगों को याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी हीरो ब्राइन की स्टोरी से रिलेटेड एंड मैंने तुम लोगों को बोला था इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी शूट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले कि मेरे जो वर्ल्ड है हिमलैंड्स उसके अंदर हीरो ब्राइन की एंट्री कैसे हुई ड्रीम बॉय के पास। तो इस वीडियो के अंदर वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है, तो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो गाइस सीधा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टोरी ऑफ हीरो ब्राइन में आप लोगों को बताया था कि किस तरह ब्राइन अब हीरो ब्राइन बन चुका था। यस एंड बाय द वे वो वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या तो आप ओरिजिनल क्रिएटर की देख सकते हो या तो तुम लोग मेरी ही देख सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में ब्रो। अब वो डार्क एंटिटी के कंट्रोल में आ चुका था। यस डार्क एंटिटी जो कि अपनी एक डार्क वर्ल्ड में रहा करता था, वो ओवर वर्ल्ड में नहीं आ सकता था क्योंकि ओवर वर्ल्ड में आने से उसकी और ज्यादा पावर्स कम हो जाती, जबकि डार्क वर्ल्ड में रहने की वजह से वो ब्लैक मैजिक से मिलने वाली पावर्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता था। एंड बाय द वे गाइस मैं यहाँ पे इंटरप्ट करके एक चीज तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग नए बंदे हो ना चैनल पे तो तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है हैशटैग रियल हीरो ब्राइन का। इसका मतलब है गाइस कि जो मेरा हिमलैंड्स का माइनक्राफ्ट सर्वर है ना उसके अंदर जो हीरो ब्राइन एंटिटी है, मैं इन जनरल माइनक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, जो मेरे सर्वर वाली हीरो ब्राइन एंटिटी है वो हीरो ब्राइन की स्टोरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग हमारे हिमलैंड्स के सीजन को फॉलो कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ओवरवर्ल्ड में आने से उसकी और ज्यादा पावर्स कम हो जाती, जबकि डार्क वर्ल्ड में रहने की वजह से वो ब्लैक मैजिक से मिलने वाली पावर्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता था, इसलिए वो अब तक तो डार्क वर्ल्ड में बैठकर माइनक्राफ्ट पर नजर रख रहा था। लेकिन जब हीरो ब्राइन उसकी टीम में आया तो उसके दिल में फिर से पूरी माइनक्राफ्ट पर कब्जा करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। oh, yeah. तो उसने हीरो ब्राइन को यूज करके फिर से पूरी माइनक्राफ्ट पर कब्जा करने का सोचा। सो बेसिकली यहाँ पे गेमिंग गॉसिप भाई साहब बोलना चाहते हैं कि जो हीरो ब्राइन हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर भी आया हुआ ना सीजन 4 में ड्रीम बॉय के पास, वो इसीलिए भेजा गया है डार्क एंटिटी के द्वारा ताकि वो हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड पे कब्जा कर सके। ऑलराइट लेट्स सी। तो उसने हीरो ब्राइन को हुक्म दिया कि तुम जाओ और सब लोगों को कहो कि आज से तुम्हारा राजा और गॉड डार्क एंटिटी है। जो ये बात मान ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस बात को मानने से इनकार करता है तो उसे मार डालो। तो हीरो ब्राइन इस मिशन पर चला गया और उसने जाकर सबको कहा कि आज से तुम सब लोग डार्क एंटिटी को ही अपना गॉड और अपना राजा मानोगे। ये सुनकर किसी ने भी ऐसा ना किया, कोई भी उसे अपना राजा मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से अब हीरो ब्राइन पूरे के पूरे विलेजेस डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो एक दफा फिर वही हिस्ट्री रिपीट कर रहा था जो कि उससे पहले डार्क एंटिटी ने की थी। डार्क एंटिटी ने भी इस तरह सभी लोगों को मारा था और इसी तरह ही सब विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया था। तो अब हीरो ब्राइन की इन सब हरकतों की वजह से सभी विलेज वाले बहुत परेशान थे, उनको सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। तो उन सब ने सोचा कि वो अपने रियल गॉड नॉच की प्रे करेंगे। ओके नॉच को यहाँ पे रियल गॉड बना दिया भाई इन लोगों ने। एंड बाय द वे नॉच जिसको नहीं पता, नॉच गेम का क्रिएटर है जिसने माइनक्राफ्ट गेम को बनाया था। अच्छा तो यहाँ पर बेसिकली स्टोरी के अकॉर्डिंग डार्क एंटिटी मेन विलेन है और नॉच हमारा मेन हीरो है। एंड लेट्स सी कि अब हम लोग यहाँ पे इस स्टोरी में कब आते हैं भाई। मैं तो उस पार्ट के लिए एक्साइटेड हूं। मदद मांगेंगे अब वही कुछ कर सकता है। तो इस पर वो सब विलेजर्स नॉच टेम्पल में चले गए और उन्होंने वहां जाकर प्रे की और नॉच को उन सब बातों के बारे में बताया कि किस तरह ये हीरो ब्राइन उनके विलेजेस डिस्ट्रॉय कर रहा है और किस तरह वो उस डार्क एंटिटी के कंट्रोल में है और सबको कह रहा है कि वो डार्क एंटिटी को अपना गॉड मान लें और उसकी सब बातें माने। नॉच खुद भी ये सब देख रहा था। जब डार्क एंटिटी ने खुद इस तरह की हरकत की थी तो तब डार्क एंटिटी के पास नॉच से ज्यादा पावर्स थी और डार्क एंटिटी के पास ब्लैक मैजिक की पावर्स भी थी, जिसकी वजह से उस वक्त नॉच उसको कुछ नहीं कह सकता था। नॉच अब भी डार्क एंटिटी को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो डार्क एंटिटी अपने डार्क वर्ल्ड में रहता था
और डार्क वर्ल्ड में नॉच की पावर्स काम नहीं करती थी, इसलिए डार्क एंटिटी को तो नॉच हाथ भी नहीं लगा सकता था, लेकिन वो हीरोब्रेन को सबक सिखा सकता था। तो हीरोब्रेन की ये सब हरकतें देखकर उसने उस हीरोब्रेन को खत्म करने के बारे में सोचा। ओके, बिकॉज हीरोब्रेन हमारा ओवरवर्ल्ड में है एंड नॉच हमारा डार्क हिमलैंड्स के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज डार्क एंटिटी वहां पे है। मेक सेंस, मैं समझ रहा हूँ, मतलब स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि नॉच एक गॉड था जबकि हीरोब्रेन एक नॉर्मल बंदा जो कि ओवरवर्ल्ड में रहता था। तो हीरोब्रेन को खत्म करने के लिए नॉच को भी ओवरवर्ल्ड में आना था। एक सेकंड को, इसने बोला कि हीरोब्रेन हमारे यहाँ पे नॉर्मल बंदा है जो कि ओवरवर्ल्ड में रहता है, लेकिन लास्ट एपिसोड में जो ब्रायन बंदा था वो जब हीरोब्रेन में कन्वर्ट होता था उसके अंदर कुछ स्पेशल इविल पावर्स डाली थी डार्क एंटिटी ने, वो मुझे याद है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सिंपल बंदा कैसे हुआ? थोड़ी सी स्टोरी मिस बैलेंस्ड है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन वो ओवरवर्ल्ड में ऐसे ही नहीं आ सकता था, बल्कि ओवरवर्ल्ड में आने के लिए उसे इंसानी रूप लेना था और फिर वो माइनक्राफ्ट में आ सकता था। What? ये भी नॉच के लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये कि नॉच इंसानी रूप में आ तो सकता था, लेकिन इंसानी रूप में आने के बाद वो इमोर्टल नहीं रह सकता था। अच्छा, यहाँ पे नॉच की बात हो रही है, मुझे लगा यहाँ पे हीरोब्रेन की बात हो रही है कि उसको इंसान बन के आना पड़ेगा। अच्छा, नॉच यहाँ पे भगवान है, तो फॉर एग्जाम्पल, मैं समझ चुका यहाँ पे क्या सीन है। एक्चुअली जिस तरीके से कृष्ण भगवान हमारे धरती पर अवतार लेकर आते हैं इंसान का, है ना, तो उसी तरीके से नॉच जो गॉड है उसको अगर यहाँ पे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर आना है तो किसी नॉर्मल इंसान के अवतार में आना पड़ेगा, तभी वो आ सकता है हीरोइन को पहनने के लिए। गॉट इट ब्रो, उसके पास उसकी सभी पावर्स तो होंगी। बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग, इमॉर्टल नहीं होगा। हाँ, मर सकता मतलब है, अगर कोई उसको ओवरवर्ल्ड में मार देता है तो मर जाएगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। ओह माय गॉड, और नॉच के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर नॉच मर जाता है तो पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया खत्म हो जाएगी। yes. इसलिए नॉच को बहुत सोच समझ के फैसला लेना था। तो उसने काफी देर सोचने के बाद ये फैसला लिया कि अगर उसे माइनक्राफ्ट को बचाना है तो उसे ये रिस्क लेना होगा। और माइनक्राफ्ट नॉच की शक्ल देखो यार, ऊपर टकला नहीं से दाढ़ी कितना क्यूट है, जाकर हीरोब्रेन को खत्म करना होगा। तो नॉच ने ये इतना बड़ा रिस्क लिया और वो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आ गया। वो अपने नॉच टेम्पल में ही स्पॉन हुआ। इसके बाद वो उस हीरोब्रेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा ताकि जल्दी से जल्दी उसे खत्म कर सके और माइनक्राफ्ट फिर से एक पीसफुल वर्ल्ड बन सके। तो उसने आखिरकार हीरोब्रेन को ढूंढ लिया। अब नॉच और हीरोब्रेन एक दूसरे के आमने सामने थे। तो नॉच ने उसको कहा कि मुझे पता है कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो, वो एक शैतान है और तुम्हें भी एक शैतान बनाना चाहता है। तुम एक गॉड की फैमिली से हो, तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम अगर चाहो तो मैं इन सब से तुम्हारी जान छुड़वा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन हीरोब्रेन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था, बल्कि वो था डार्क एंटिटी के कंट्रोल में। हीरोब्रेन ने नॉच से कहा कि तुम ये सब बातें करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आओ मुझे मारो अगर तुम मार सकते हो तो। नॉच ने जब ये सुना तो उसने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें ठीक होने का लास्ट चांस दिया था, लेकिन शायद अब तुम्हें खत्म ही करना पड़ेगा ताकि इस माइनक्राफ्ट में फिर से पीस आ सके। तो अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हीरोब्रेन ने नॉच पर अटैक किया और उसके पहले ही अटैक से ही नॉच को बहुत ज्यादा पावर्स का एहसास हुआ। What the heck? तुम लोगों ने देखा है अभी क्या हुआ एनिमेशन में? एनिमेशन में हुआ कुछ यूं कि नॉच की तलवार ही टूट गई उसके पहले ही, और बंदा उड़ के चला गया भाई दूर। नॉच को बहुत ज्यादा पावर्स का एहसास हुआ। नॉच ये बात नहीं जानता था कि हीरोब्रेन के पास इवल पावर्स भी हैं, मगर अब जब उसने ये रियलाइज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यार हीरोइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे हिमलैंड्स का हीरोइन है ना, वो बंदा लिटरली जब हमको मारता है तो छेद करता है और नीचे बेडरॉक लेवल तक छेद करता है। वो समझो तुम लोग, कम से कम 100-150 ब्लॉक का छेद करता है, इतना ज्यादा पावरफुल। उसके पास अब लड़ने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं था। माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा गॉड एक इवल एंटिटी के सामने अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो वैसे ही हीरोब्रेन के हाथों मर जाए या फिर वो हीरोब्रेन से लड़ते लड़ते मर जाए। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब मरना ही मरना है। सूरतों में मरना था। उसको अब अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है। यार भाई ऐसा क्यों बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया। बेचारा भगवान यहाँ पे अवतार लेकर आया है और भगवान को यहाँ पे पछतावा रहा है कि भाई मैं क्यों अवतार लेकर आया, इससे बढ़िया मैं अपने स्वर्ग में ही रहता अपने अप्सराओं के साथ। तो उसने उन दोनों ऑप्शन में से दूसरा वाला सिलेक्ट किया कि वो लड़ते लड़ते मरेगा। Nice. लेकिन गाइस आप लोग ये जानते हैं कि अगर वो मर जाता तो फिर माइनक्राफ्ट की दुनिया भी खत्म हो जाती। तब उसको ये प्यारी सी दुनिया खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने हीरोब्रेन से लड़ाई की। हीरोब्रेन ने 2-3 अटैक किए जिससे नॉच इतना कमजोर हो गया
कि अब हीरो ब्रांड का एक आखिरी वार और नोच खत्म। और अब ऐसा ही होने वाला था। हीरो ब्रांड के सामने नोच बिल्कुल लाचार पड़ा था और वो इस पर एक आखिरी वार करके उसको खत्म करने वाला था। हीरो ब्रांड उस पर वार करने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी हीरो ब्रांड पर किसी ने पीछे से एक जोरदार अटैक किया। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो कौन हो सकता है। गाइस जिसने हीरो ब्रांड पर पीछे से अटैक किया वो कोई और नहीं बल्कि वो था स्टीव। जी हाँ गाइस, स्टीव ने हीरो ब्रांड पर पीछे से अटैक किया था। स्टीव अपने साथ फुल तैयारी करके आया था। अभी स्टीव के अटैक से हीरो ब्रांड सही तरह संभला भी नहीं था कि स्टीव ने उस पर पोर्शन ऑफ कंट्रोल फेंक दिया। हीरो ब्रांड थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। नोच ये सब देखकर बिल्कुल शॉक था क्योंकि स्टीव ने आते ही पूरी गेम ही चेंज कर दी थी। तो वो स्टीव को थैंक यू बोलने लगा। तो स्टीव ने कहा अभी इसका टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी उस हीरो ब्रांड का कुछ करना होगा। हम लोग इसे मार तो नहीं सकते लेकिन हम इसे किसी जगह कैद कर सकते हैं ताकि ये माइनक्राफ्ट को और नुकसान ना पहुंचा सके। तो नोच ने कहा हाँ ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो नोच ने एक विलेज के पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बेस बनाया जहाँ पर उसने एक पोर्टल बनाया और नेदर में जाकर उसने हीरो ब्रांड को वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब यहाँ पे आने वाला कि ड्रीम बग कैसे है। नोच ने जो प्रिजन बनाई थी उसका लॉक एक ज्यूक बॉक्स था जो कि एक म्यूजिक डिस्क से खोला जा सकता था। और जब ड्रीम बॉय उस पोर्टल में गए और वहाँ जाकर उन्होंने वो डिस्क प्ले की तो इससे वो हीरो ब्रांड आजाद हो गया। अच्छा ऐसे, मुझे नहीं था पता यार। ड्रीम बॉय ने हीरो ब्रांड को उस कैद से निकाला था तो हीरो ब्रांड ड्रीम बॉय की हेल्प कर रहा है। लेकिन गाइस क्या आप लोग जानते हैं इस सब के पीछे भी उस विजर्ड का ही हाथ है। गाइस विजर्ड की मिस्ट्री अभी तक अनसोल्व पड़ी है कि उसने ये सब एंटिटीज हिमलैंड में क्यों भेजे, उसने स्मार्टी पाई को धोखा क्यों दिया और उसने हीरो ब्रांड को ड्रीम बॉय के थ्रू क्यों आजाद करवाया। इस मिस्ट्री का खुलासा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अच्छा तो इस तरीके से ड्रीम बॉय को यहाँ पे हीरो ब्रांड मिला था। भाई साहब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, सीरियसली कि उसने वहाँ पे डिस्को डाला, वहाँ से हीरो ब्रांड देखा। तुम लोगों ने कैसे ऊपर के लिए आता, तुम लोगों ने तो शायद देखी होगी वाली वीडियो पर मैंने नहीं देखी है भाई। ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो। और तो यहाँ पे मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिली है, द रियल स्टोरी ऑफ हीरो ब्रायन इन हेमलैंड्स, ठीक है ना। चैनल का नाम है फॉर्मी प्लेस एंड लेट्स सी कि इनकी स्टोरी क्या है। बहुत छोटी वीडियो है, 6 मिनट की, तो मैं फटाफट देखने वाला उसको एंड लेट्स सी इनकी स्टोरी कैसी है बहन। तो जैसे कि हमें पता है कि हीरो ब्रायन सिर्फ ड्रीम बॉय की बात मानता है। ओ भाई ये मेरे को स्टोरी ऑलरेडी पसंद आ चुकी है बिकॉज लिटरली हीरो ब्रायन की बैक स्टोरी की जगह पे बंदे ने सीधा स्टार्ट किया कि भाई हमें पता है कि हीरो ब्रायन सिर्फ और सिर्फ ड्रीम बॉय की बात मानता है। क्यों मानता है Let's see. तो उसके पीछे का रीजन शायद ये हो सकता है कि एजियो भाई के वीडियो में हमें जो बंदा मिला था वही नुबड़ा, वो अपने भाई को काफी समय से ढूंढ रहा था जो टाइम। ये नुबड़ा What the heck? Okay, मुझे अभी कुछ पता चला है जो कि मुझे अभी तक पता नहीं था एंड इस चीज को मैं कम्प्लीटली इग्नोर मारने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से पता चला ये चीज, ठीक है ना। हालांकि मुझे स्पॉयलर्स मिल रहे हैं कई चीज ऐसी जो कि मुझे ऑलरेडी पता नहीं है, बट छोड़ो ट्रैवल कर रहा हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीरो ब्रायन पे यहाँ पे फोकस करने वाले था। और उसका भाई और कोई नहीं बल्कि हीरो ब्रायन ही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बात कर दी भाई ने, नुबड़े का भाई हीरो ब्रायन बना दिया तूने भाई, छोटू भाई क्यों भाई ऐसा। टाइम ट्रैवल कर रहा था और उसका भाई और कोई नहीं बल्कि हीरो ब्रायन ही है। okay. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मार्टी पाई जब फार लैंड में फंस गए थे तो जो विलेज का जो किंग था तो वो स्मार्टी पाई को कह रहा था कि हम लोगों ने टाइम मशीन इन्वेंट किया, लेकिन हो सकता है टाइम मशीन उसके नहीं उसके भाई ने इन्वेंट करी हो और उसके भाई का नाम था मार्क। और मैं यहाँ पर किंग के भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस नुबड़े के भाई की। अच्छा, कि जब वो टाइम मशीन में इन्वेंट कर रहा हो तो वो टाइम ट्रैवल कर रहा होगा और टाइम ट्रैवल करते करते उसकी टाइम मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। okay. और फिर वो उसी टाइम लूप में फंस गया होगा और वो सालों से वहीं होगा और उसको उस प्रॉब्लम की वजह से कुछ शक्तियां मिल गई होंगी जिससे वो शायद हीरो ब्रायन बन गया होगा। और What the heck, भाई हीरो ब्रायन को कहां से कहां लेके आ गया बंदा यार, नुबड़े का भाई था जो कि टाइम ट्रैवल करके। ओके इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय द वे, आगे देखते हैं। वो हीरो ब्रायन बना तो काफी समय से बहुत सालों से अकेला था, हजारों सालों से, तो और वो वहाँ पर ट्राई पोर्टल में जाके अटक गया है। जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, ट्राई पोर्टल जिसको स्मार्टी पाई ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी कलर फेडनेस वाली इन्फेक्शन को सही कर पाए। एक सेकंड ओके, वीडियो आई गेस पुरानी है बहुत, आई गेस ये वीडियो ऑलमोस्ट में हाँ ये 1.5 महीने पुरानी वीडियो है, दैट्स व्हाई, क्योंकि अब तो मेरी जो स्किन वाली डिजीज थी वो तो ठीक हो चुकी है पूरी की पूरी। ओके आगे देखते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक सिर्फ ट्राई पोर्टल
सिर्फ और सिर्फ ड्रीम बॉय को ही मिला है। आप लोग इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। वो अद्दा है ड्रीम बॉय को भी मिल गया। नहीं पर ये वाली जगह ट्राइपोर्टल नहीं है, ये वाली जगह आई गेस वो हो सकती है, क्या बोलते हैं लाइक कोई कोइंसिडेंस हो ट्राइपोर्टल की जैसी जगह। यहाँ पर है पहला पोर्टल है, दूसरा पोर्टल है और तीन। बट बाय द वे बंदे ने जो स्टोरी को लिंक किया है बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, नाइस। कुल मिला के वहाँ पर तीन पोर्टल है और हमें ट्राई पोर्टल के नाम से ही समझ में आता है थ्री पोर्टल्स। और हो सकता है वहाँ पर हीरो ब्राइन ने ड्रीम बॉय को देख लिया होगा और उसे काफी ज्यादा खुशी हुई होगी कि वो इतने सालों बाद किसी बंदे को देख रहा है, इसलिए वो हीरो ब्राइन उसकी बात मान रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि जब फ्यूचर में कभी स्मार्टीफाई वीडियो डाले तो हीरो ब्राइन अपने भाई उस नूप से मिले तो वो हीरो ब्राइन खुश हो जाए और वो हो सकता है पूरे हिमलैंड्स को भी तबाह कर दे, हू नोस। भाई काफी अच्छी स्टोरी लिंक कर रही है, बट यार हिमलैंड्स को तबाह करने की बात कर रहे हो यार, मतलब पहली बात तो नूबड़े के भाई को यहाँ पे बंदे ने हीरो ब्राइन बना दिया, जो नूबड़ा बेचारा, इनफैक्ट उसका नाम नूबड़ा है मुझे ये भी नहीं पता था, बट इसने फोटो दिखाई तो उस बंदे का नाम शायद नूबड़ा ही होगा। तो वो जो नूबड़ा बंदा है उसका भाई इनके अकॉर्डिंग हीरो ब्राइन है, एंड जो हीरो ब्राइन है वो ड्रीम बॉय को देखता है बहुत सालों के बाद ट्राई पोर्टल के अंदर, दैट्स व्हाई उसकी बात मान रहे। ओके, और वो जैसे कि ड्रीम बॉय को देख के बहुत खुश हो गया था कि उसको कोई पहला बंदा मिला है अपने हजारों सालों के बाद, कोई एक बंदा उसको दिखा है। और उसके ऊपर एक कर्ज भी लगा हुआ था कि वहाँ से जब तक कोई बंदा नहीं आता वो निकल नहीं सकता, और उसके अलावा उसको वहाँ पर किसी और बंदे को ट्रैप करना पड़ेगा। तो ड्रीम बॉय को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, इसलिए वो ड्रीम बॉय को तो नहीं कर सकता ट्रैप। फिर उसे लगा कि मैं किसी बंदे को ट्रैप करता हूँ, फिर उसे स्मार्टी पाई दिखा, मतलब कि जब स्मार्टी पाई ने जब टाइम ट्रैवल करा तो उसकी उसको शक्तियों से पता चल गया कि ये बंदा टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो हीरो ब्राइन ने उसका कलर फेड करवा दिया। ये बहुत सही है भाई, बट एक्चुअली मेरा जो कलर फेड कराया था वो कराया था विजर्ड ने, मेरे टाइम ट्रैवल वाली जो मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ करी उसने, जिस वजह से क्या हुआ कि मैं एस्केप कर गया मरने से बट मेरी स्किन फेड हो गई। बट यहाँ पर बंदे ने बताया कि हीरो ब्राइन ने किया, बट एक्चुअली इस टाइम पे मैंने वो शायद वीडियो पे अपलोड करी नहीं थी, सो दैट्स बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। जिससे स्मार्टीफाई बहुत लाइट दिखने लगे और फिर उस हीरो ब्राइन ने विजर्ड को जाके धमकाया कि तू स्मार्टी पाई को ऐसा ऐसा करके एक फेक स्मार्टी पाई आया है, जिससे एसईओ ड्रीम बॉय वगैरह सोचे कि ये फेक स्मार्टी पाई है, नहीं तो वो स्मार्टी पाई को मार देगा। और मुझे नहीं लगता कि विजर्ड इतने बुरे होंगे, और विजर्ड मजबूरी में विजर्ड को ऐसा करना पड़ रहा है, फेक स्मार्टी पाई बताना पड़ रहा है विजर्ड को। और हीरो ब्राइन वो विलेज किंग को भी धमका रहा है। स्टोरी तो अच्छी है, बट खैर थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड है मुझे फील हुआ, बट खैर ये बात छोड़ो यार। यहाँ पे बेसिकली बंदे ने बताया कि जो विजर्ड है हमारा वो यहाँ पे यू नो इनोसेंट बंदा है, एंड वो हीरो ब्राइन उसको धमका रहा है, दैट्स व्हाई उसने सबको बताया था कि यू नो फेक स्मार्टी पाई आ चुका है, बट एक्चुअल रिजल्ट इज समथिंग एल्स, कुछ और खिचड़ी पक रही है इस विजर्ड के दिमाग में, जो कि मैं बहुत जल्द यहाँ पे सबके सामने लेकर आने वाला हूँ कि उसे स्मार्टी पाई को कुछ भी करके ट्राई पोर्टल के पास भेजना, ताकि हीरो ब्राइन उसे वहाँ पर ट्रैप कर सके। और जैसे ही वहाँ पर स्मार्टी पाई ट्रैप हो जाएगा और विजर्ड को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं कि वो स्मार्टी पाई को ट्रैप कर देगा, और जैसे ही वहाँ पर स्मार्टी पाई ट्रैप हो जाएंगे तो हीरो ब्राइन वहाँ पर फिर पूरा कब्जा कर लेगा और अपने फैमिली को ढूंढेगा फिर वो, और फिर हीरो ब्राइन सबको मार देगा ड्रीम बॉय को छोड़ के। फिर वो धीरे धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम बॉय की पोजीशन ले ले, वो उस किंग्स लैंड का किंग बन जाए हीरो ब्राइन। और फिर ड्रीम बॉय क्या करेगा, उसकी दासी बनेगा क्या है, ड्रीम गर्ल बनेगा क्या उसकी वो। बट बाय द वे स्टोरी बहुत अच्छी है, अगेन बोलूंगा मैं अगर से शॉर्ट में बोलूं कि हीरो ब्राइन को जो कर्स मिला था तो उस कर्स से जब तक वो कोई बंदा वहां पर नहीं आता तब तक वो निकल नहीं सकता। okay. और उसको साथ ही साथ एक साल के अंदर कोई और बंदे को ट्रैप करना है, नहीं तो अगर से वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो हीरो ब्राइन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर तो बंदे ने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ यू नो हमारी हिमलैंड्स की स्टोरी को हीरो ब्राइन के साथ कनेक्ट किया, तो मेरे को ये वाली स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है अभी तक की, टू बी ऑनेस्ट। अभी इस वीडियो में इसके आगे बंदे ने हीरो ब्राइन के पास्ट के बारे में बताया जो कि हमारे हिमलैंड से थोड़ा अलग है, तो फिर वो चीज देखने की फिलहाल को जरूरत नहीं है, वो मैं देखूंगा अलग से, बट बहुत अच्छी स्टोरी थी वाली। और इसी बात पे मैं इस बंदे के चैनल पे कमेंट भी करने वाला हूं, दिस स्टोरी इज गुड एंड कमेंट पोस्टेड, लेट्स गो। सो गाइस मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि तुम लोगों को इस हैशटैग का इस्तेमाल करना जो कि हैशटैग रियल इंटेलिजेंट गाय, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके साथ तुम लोग कोई कस्टम स्टोरी बनाओ, एंड वो जो कस्टम स्टोरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी हिमलैंड्स की जो एग्जिस्टिंग स्टोरी है उससे रिलेटेड, कि ये बंदा कैसे आया, क्या करता है ये बंदा, एक्चुअली हमारी मदद क्यों कर, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या हो सकती है, और पूरी पूरी वीडियो हमारी हिमलैंड से रिलेटेड हो तभी मजा आता है उस पर रिएक्शन देके। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है
लोगों से ऐसी धार्मिक वीडियो में। बाय बाय।